दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन पार्टनर। NIOS DLED से संबंधित बहुत बड़ी खबर आई है कि जो 12th इम्प्रूवमेंट के लिए जो रजिस्ट्रेशन था वो बंद हो गया था सितंबर माह का, लेकिन अक्टूबर के लिए वो फिर से शुरू हो गया है। और जिन्होंने DLED रजिस्ट्रेशन करवा लिया है लेकिन 12th इम्प्रूवमेंट के लिए नहीं भर पाए थे, वो पोर्टल बंद हो गया था। उसके बाद कई लोगों ने मेरे से कॉन्टैक्ट किया था, हमें बताया था, तो उस टाइम वो बंद हो गया था। दोस्तों अभी फिर से वो पोर्टल खुल गया है जहाँ पे कि आप 12th इंप्रूवमेंट के लिए डाल दिए हैं। तो अगर आप NIOS DLED के लिए डाले हैं, जैसे कि आज 30 सितंबर है तो उसके लिए आज लास्ट डेट है, अभी तक यही है। अगर आगे कुछ डेट भरने की घोषणा आएगी तो मैं बताऊंगा, लेकिन वो अगर आप डाल भी दिए हैं लेकिन 12th इंप्रूवमेंट के लिए नहीं डाले हैं तो अब आपको डाल देना चाहिए। अगर अभी तक नहीं डाले हैं तो उसके लिए डेट जो है अभी फिर से वो ओपन हो चुका है और मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप उसके लिए फिर से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो लोग NIOS DLED कर रहे हैं वो लोग इस 12th इंप्रूवमेंट के लिए यहाँ पे डाल सकते हैं। वो कैसे डालना है वो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों DLED.NIOS.AC.IN वेबसाइट से आप लोग परिचित होंगे ही, यहीं से आपने टीचर के लिए रजिस्ट्रेशन किया था। तो जब आप टीचर रजिस्ट्रेशन पर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो जो नया पेज खुलेगा, हालांकि थोड़ा टाइम ले रहा है लेकिन खुल गया, बहुत बार तो ये पेज आजकल खुल ही नहीं रहा है। तो ये जब पेज नया खुलेगा उसके बाद जब आप यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिक हियर टू रजिस्टर इन सीनियर सेकेंडरी कोर्स। मतलब यही हो गया, 12th में अगर आपको 50% से कम मार्क्स है और आप DLED कर रहे हैं एज अ शिक्षक तो आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो ये जब हम क्लिक करते हैं तो ये पेज आप देख सकते हैं खुल चुका है। इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे स्ट्रीम 1 पे आपको क्लिक करना है, स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 पे तो ये आ जाएगा 12th इंप्रूवमेंट के पेज पे जहां से कि आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो यहां पे देख लीजिए सबसे ऊपर में ही है स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 ऑनलाइन एडमिशन फॉर ऑल लर्नर, क्लिक हियर टू टेक एडमिशन। तो यहां पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लॉगिन आईडी पासवर्ड का है, तो जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है वो यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। जो लोग नए हैं उन्हें यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है और रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके ईमेल आईडी और पासवर्ड से यहाँ पे आप 12th इंप्रूवमेंट के लिए भर सकते हैं। एक चीज मैं यहाँ पे दोस्तों नोटिस करना चाहता हूँ कि आपने जिस ईमेल आईडी से DLED का रजिस्ट्रेशन किया है उसी ईमेल आईडी से आप 12th इंप्रूवमेंट का भी रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि जो लोग DLED का कोर्स कर रहे हैं उनके लिए ये इंप्रूवमेंट कोर्स है, तो वहां से एक ईमेल आईडी से रहेगा तो ही वो वहां से सिंक होगा। तो दोस्तों यही अपडेट था अभी का, और 12th इंप्रूवमेंट के लिए आप जरूर डाल दें। और आप ये नहीं सोचे कि मान लीजिए कि DLED के लिए हम डाल चुके हैं और अभी तक 12th के लिए नहीं डाले थे, या बहुत लोग के मन में ये भी था कि 12th में कम है हम DLED के लिए कैसे डालें, तो आप DLED के लिए जरूर डाल दें। अभी आज भी लास्ट डेट है, आज भी आप कर सकते हैं, उसके लिए जरूर डाल दें और 12th इंप्रूवमेंट के लिए आप अभी अप्लाई आगे कर सकते हैं। तो आज से आप फिर से यहाँ पे अप्लाई करें और ईमेल आईडी पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड से आप यहाँ पे क्लिक करें, और पासवर्ड कैसे है वो देना है, वो यहाँ पे उसका सारा डिटेल्स दिया हुआ है कि एटलीस्ट 6 करेक्टर, एटलीस्ट सारा कुछ यहाँ पे आप देख लीजिए, अपर केस लोअर केस, एक डिजिट रखना है और एक स्पेशल करेक्टर रखना है, तो उस तरीके से आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो जैसे कि आप मान लीजिए आपका नाम है राम, तो आप रख सकते हैं ram@123। तो R को आप पहला लेटर कैपिटल रख सकते हैं, तो इस तरीके से आप कुछ भी पासवर्ड रख सकते हैं। तो आप जरूर क्रिएट कर लें और उसी ईमेल आईडी से करें जिससे आपने DLED रजिस्ट्रेशन किया है, और आगे आप 12th इंप्रूवमेंट भी साथ में कर सकते हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप अभी अगर पहले रजिस्ट्रेशन DLED का कर भी चुके हैं तो आप आराम से अभी 12th इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ये दोस्तों बड़ी खबर थी, आगे के अपडेट के साथ हम फिर से आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, वहां से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन आएगा उसे दबा देंगे तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको बिल्कुल फ्री में मिलती रहेगी। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बाय बाय, जय हिंद।